ये है हैलीज कॉमेट। इस कॉमेट की खोज एडमंड हैली ने की थी, इसीलिए इसका नाम हैलीज कॉमेट पड़ा। ये कॉमेट हर 75 साल पे एक बार दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसको सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में ही 75 साल लग जाते हैं। हैली ने इसकी टाइम पीरियड का अंदाजा न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के मदद से की थी। इसके सरफेस पर वाटर आइस की परत जम जाती है और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होते हैं। इसीलिए जब ये हमारे सन के पास आता है तो उसकी गर्मी इसे तपा देती है, और वाटर आइस का वेपोराइज होना, सारे गैसेस और डस्ट का रिलीज होना ही इसकी इतनी लंबी टेल का कारण है, और ये हमें दोबारा 2061 में दिखेगा। ऐसे